नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोची वीरेंद्र कुमार। रामनवमी का जुलूस बहुत ही धूमधाम से निकला। बताते चले आपको, पूरे जो लाव लश्कर के साथ जो जुलूस था, हजारों लोग, घोड़े बहुत खूबसूरत घोड़े थे, सवार होकर झांकियां निकाली, एक तरह से जुलूस निकाला। मौके पे नगर के उपाध्यक्ष संजय यादव, समाज सेवी गुड्डू यादव, साथ ही साथ पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव ने भी शिरकत की। तमाम लड़ाकों ने एक से एक करतब दिखाया। झाझा थानाध्यक्ष का भी एक अलग ही रूप देखने को मिले। देखिए, कोई भी सामाजिक कार्य होता है ना, तो झाझा थानाध्यक्ष राजेश्वरन की खूबी है, वो समाज में, उस माहौल में बिल्कुल ढल जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि मैं एक थानाध्यक्ष हूँ। देखिए, एक अधिकारी को कम से कम पब्लिक फ्रेंडली होना एक बहुत अच्छी बात होती। इस तरह से होता क्या है ना कि आप पब्लिक के दिलों में जगह बनाते हैं और कहीं ना कहीं आपका खुफिया तंत्र मजबूत होता है। जब पब्लिक आप पर भरोसा करती है ना, तो निश्चित रूप से आपको हर क्राइम कंट्रोल करने में सफलता मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। तमाम झाझा के अलावा कई जगह से, लेकिन यहाँ चरघरा में सर आप आए हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? लगभग 1 दशक से ऊपर सर हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। लंबे समय से जब इसका निर्माण नहीं हुआ, उसके बाद ये मेरा मोहल्ला भी है सर। यहाँ के सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। कल ये लोग मेरे पास आए, हमने आग्रह किया, हमने कहा आग्रह का दूर का बात है, घर का बात है, बच्चे तो मैं आ जाऊँगा। तो इस पर्व के अवसर पर, इस रामनवमी के अवसर पर मैं झाझा वासियों को बधाई देता हूँ, झाझा विधानसभा के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। आज ये जो भव्य मंदिर आप दिख रहे हैं रामदल अखाड़ा समिति का, इनका फाउंडेशन स्टोन यही विधायक जी, उसमें विधायक थे डॉक्टर साहब, उन्हीं के फाउंडेशन स्टोन रखाया गया और आज ये इस रूप में है। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हम लोगों को उचित सम्मान देते हैं। ये हम लोग भी इनको सराहते हैं। थैंक यू। देखिए, ये पट्टा एक तरह से प्रतीक है।
आइए ने भी कहा है आप आते हैं आइए जी चंद्र बाबू के बगल में। अरे आप केसरी जी आइए ना सामने आएंगे चंद्र बाबू जी आपका विरोध हो रहा पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव आज बजरंग बली के मंदिर में माथा टेकने आए हुए। जैसा कि जानते हैं दर्शकों यहाँ का जो अखाड़ा होता है बहुत ही भव्य होता है और श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है श्रद्धा।